इरेजर टूल का उपयोग आप कुछ मिटाने के लिए करते हैं, क्या आप बता सकते हैं टास्क बार क्या होता है? क्या होता है टास्क बार? सर आप बताइए। सर जो भी हम कुछ बोलते हैं तुरंत टास्क कहते हैं, नीचे हम टास्क बार पे पता चल जाता है कौन कौन सी टास्क खुली है, जो भी फाइल या फोल्डर हो गया पता चल जाता है, वो यहाँ पे नीचे पे आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, टास्क बार एक स्केल की तरह होता है और यह आपको उन फाइल और फोल्डर को बताता है जिन पर आप काम कर रहे हैं अथवा जिन्हें आपने हाइड करके रखा है। MS Paint क्या है और इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्वेश्चन आ गया, रोकोगे वीडियो पे, किसी से भी जो तो आप तुम पूछ रहे हैं क्या होता है MS Paint? MS Paint क्या होता है, इसका उपयोग क्यों करते हैं? उनसे बार बार ओपन कराओगे तो उनको दिमाग में रह जाएगा कि हाँ MS Paint को हम पहले स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, एक्सेसरीज में जाएंगे, फिर हम पेंट को ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से उनको आप एक्सप्लेन करोगे उनको अच्छे से याद हो जाएगा और साथ में वीडियो तो यहाँ पे चलते रहेगा। सर अगर बच्चों को ना पता चले टास्क बार क्या होती है, सर भी हाईलाइट क्या होता है कुछ भी, तो नॉर्मली कह सकते हैं सर जहाँ विंडो का साइन होता है। हाँ, जहाँ विंडो का साइन होता है एक यहाँ से लाइन होती है, बस आपको कुछ फोल्डर फाइल दिख रहा होगा, ये आपका टास्क बार है। फिर आप कभी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो उतनी जल्दी आपको उस लेवल का एक्सप्लेन नहीं करना, बस वो चीजें दिखाने की हाँ आपको कुछ समझ में आ जाए कि होती क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं, ये चीजें। MS Paint एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप ड्राइंग करते हैं। अब उनको सॉफ्टवेयर नहीं पता तो क्या होता है? बता सकते हैं कि एक ऐसा कोई की फाइल फोल्डर होता है जिसके अंदर हम अलग अलग प्रकार की ड्राइंग चित्र बनाते हैं, इस तरीके से आप जो एग्जांपल्स हैं आप लोग टीचर्स हैं बता सकते हैं, उदाहरण दे सकते हो। क्वेश्चन है टूल बॉक्स क्या होता है, जिसके अंदर बहुत से टूल्स होते हैं, अलग लाइन होती हैं, इरेजर्स होते हैं, कलर्स होते हैं। आप ज्योमेट्री बॉक्स एग्जांपल उदाहरण देकर समझा सकते हो कि जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होती है वैसे ही टूल बॉक्स होते हैं। टूल बॉक्स पेंट का महत्वपूर्ण बॉक्स होता है जिसमें ड्राइंग करने के सभी टूल उपलब्ध रहते हैं। MS Paint की फाइल को आप कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं? क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं? दो। कौन कौन से? कमांड और स्टार्ट बटन। ठीक है, MS Paint की फाइल को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, स्टेप वाइज और शॉर्टकट कमांड। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और बताए गए तरीके से MS Paint की फाइल को ओपन करें। अगर फाइल को ओपन करने में कोई भी समस्या हो तो आप दिखाए जा रहे वीडियो की मदद से ओपन करना सीखें। आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप फर्स्ट क्लास में आप बताएं आप उनको इंस्ट्रक्शन दे दोगे बच्चों के कि आप लोगों को पेंट की फाइल ओपन करनी है। ठीक है, आप ऐसे कैसे तो पूछ सकते हो कि आप लोगों को पेंट की फाइल ओपन करना आता है, जो मेजोरिटी स्टूडेंट बोले हाँ सर हमें आता है तो बोलो आप ओपन करो, कई बच्चे बोलते सर हमें नहीं आता, तो इसके इन केस में आप क्या करोगे, आप वीडियो यहाँ पे प्ले करोगे, वीडियो यहाँ पे दिखाओगे ऐसे से करना, अगर नहीं भी हो रहे तब आप जाके कि हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम है तो उनको पर्सनली आप उनको बता सकते हो कि आप इस तरीके से पेंट की फाइल ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेके जाएंगे, आगे कर दे जो कि लेफ्ट, ये तो पता है सबको, आगे कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यह पिक्चर रूंजी जैसे कि घर स्टाफ के का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब आज का कोर्स शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में आपने इरेजर टूल का उपयोग करना सीखा था, आज हम इरेजर टूल का अभ्यास करेंगे। लाइन टूल की मदद से आपको पिक्चर भी बनाएंगे। यह पिक्चर रूंगी जैसे कि घर स्टार बैड इत्यादि, और सिलेक्शन टूल की मदद से मिटाना सीखेंगे। जब यहाँ पे जब पेंट की फाइल ओपन हो जाएगा आगे आप कराओगे
तो इसमें हमने यहाँ पे पहले दे रखा है कि आगे क्लासेस में क्या क्या आप सीखेंगे, वो इसलिए ताकि बच्चों को इंटरेस्ट बना रहे कि हाँ हम ये बनाएंगे ये बनाएंगे। तो आपको जैसे एक बार वीडियो प्ले हो गया तो उनसे पूछना है आपको, जैसे यहाँ बता दिया कि आज क्या क्या सीखेंगे, तुमसे आप पूछ लोगे बच्चों आज पता है आप लोगों को क्या क्या बनाने हैं, आज आज आप क्या क्या सीखोगे, अगर उनका वीडियो पे ध्यान देगा वो बताएंगे कि हाँ सर हम आज बैट बनाएंगे, स्टार बनाएंगे, घर बनाएंगे, इस तरीके से अगर ध्यान देगा तो इस प्रकार से आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ये विंडो का बटन है ये और ये आर, आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको हो जाए। कैसे यूज करते हैं और सबसे लास्ट में कंप्यूटर को सदम कैसे करते हैं यह भी सीखेंगे। सामने दिए गए चित्र को देखकर बताएं इस चित्र को क्या कहते हैं। यह एक फोन का चित्र है, क्या यह चित्र आप सभी बना सकते हैं क्या नहीं? क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, आपने क्या कहना है कि पहले दिन कोई मान लो कोई पहले सिंपल एक दो लाइन आ रही थी तो आप बोल सकते कि लाइन को ड्रॉ करें। अब जैसे इस तरीके से कोई टिपिकल पिक्चर आएगा यहाँ पर दो चीजें कर सकते हो, एक क्या है कि आप पहले उनसे पूछोगे कि ड्राइंग आप बना सकते हो, लेकिन जब स्टार्टिंग की तरीके थर्ड क्लास है तो आप उनको पहले नहीं बोलोगे कि आप बनाओ, जब आप इस तरीके की ड्राइंग बनवाओगे उनको आप स्टेप बाय स्टेप बनवाओगे। पहला पूछ सकते हो क्वेश्चन कि ये किस चीज का चित्र है, इसको बनाने के लिए कौन कौन से टूल यूज करेंगे, क्या आप बना सकते हैं, ये क्वेश्चन पहला आपको पूछना है। फिर क्या करोगे जब आंसर करेंगे, आंसर करने के बाद आप वीडियो आगे प्ले करोगे तो आपको डायरेक्ट एक साथ ही प्ले नहीं करना कि पूरा घर बना दिया उसके बाद घर बनाने के बाद आप बोलोगे आप बनाओ, ऐसे नहीं करेंगे कि आधा ध्यान तो उनका वीडियो देखने में रह जाएगा कि बच्चे वीडियो को देखेंगे। तो आपको क्या करना है स्टेप बाई स्टेप बनाना है, जैसे कि माता जी से घर है पहले ये लाइन ड्रॉ करवा देंगे, अभी मैं बताता हूँ इसने टाइम भी दिया हुआ कहाँ कहाँ रोकना है, कौन से टूल की मदद से बनाएंगे इस पिक्चर को आप लाइन टूल की मदद से बनाएंगे। आइए अब इस चित्र को दिखाया जा रहे वीडियो की मदद से बनाना सीखते हैं, और बनाते समय अगर किसी समस्या हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। आइए अब इस चित्र को बनाना शुरू करते हैं। इस चित्र को बनाने के लिए सबसे पहले आप सभी लाइन टूल को सिलेक्ट करें, लाइन टूल को सिलेक्ट करने आप लोग बनाइए, ठीक है, पॉइंटर को शेप्स के अंदर लाइन टूल के अलग-अलग क्लास की मतलब जो कैचिंग पावर होता है वो अलग-अलग होता है, हो सकता है कि कोई देखते बोले कि सर हम बना लेंगे हमें वीडियो की जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे ठीक है बना के दिखा दो, कई बच्चे से सर नहीं हमें तो हेल्प की जरूरत है, तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप बनोगे कि जैसे पहले यहाँ पे लाइन टूल को सिलेक्ट करो, वो लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से यानी प्ले कर दिया सारा, तो आप लोग भी वीडियो और लेफ्ट बटन को क्लिक करें जिससे कि आपके लाइन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब अपने पॉइंटर को पेंट की सीट पर लेकर आए और लेकर आने के बाद ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें, जैसे से आपको वीडियो दिखाई दे रहा है वैसा आप ड्राइंग बनाइए, पहले लाइन को ड्रॉ करना है, लाइन को ड्रॉ कीजिए, जैसे कि इस तरह की एक लाइन खींच जाएगी, उसके बाद अब दूसरी लाइन को ऐसे ड्रैग करें, ड्रैग करने के बाद रेक्टेंगल टूल यूज करना था नहीं, अगर आप रेक्टेंगल टूल यूज करेंगे फिर तीसरी लाइन को ऐसे ड्रैग करें ऐसे छोटा सा, आप लोगों को भी लाइन टूल से ही बनाना है। उसके बाद दूसरी लाइन को यहाँ से ड्रैग करें, मैं ड्राइंग इसलिए बनवा रहा हूँ एक मिनट, मान लीजिए आप क्लास ले रहे हो कोई ड्राइंग, मान लो कोई डिफिकल्ट ड्राइंग हो गया
अब उनसे बन नहीं रहा, वीडियो देखने पे भी बन नहीं रहा। बोलोगे सर, कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर आप बना के दिखाओ, हमसे तो नहीं बन रहा। कभी कभी बच्चे बोल रहे थे सर हमसे नहीं बना, एक बार आप बना के दिखा दो स्क्रीन पे। तो इसके इतना मतलब वो भी आना चाहिए कि हाँ इस तरीके से बनेगा। उसके बाद यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए। एक मिनट, तो इसका मतलब वीडियो स्क्रीन उस टाइम आपको हटाना पड़ेगा, आप ऑन जब बनाएंगे उस टाइम। हाँ, अगर आप कैसे करेंगे ना, एक कैसे मिनिमाइज का ऑप्शन है, अनेबल मिनिमाइज करेंगे आप। इस वाले सपोज वीडियो हटा के उसको जाना पड़ेगा। हाँ, फाइल को मिनिमाइज करके पेन की फाइल ओपन कर सकते हैं। पेन फाइल को ओपन करना तो आई है, आप उस पर बना के दिखा देते कि आपको ऐसे करना है। अगर लगता है नहीं कि आपके बच्चे बना लेंगे तो आप वीडियो से कराएं तो वीडियो से करिए। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर आपको जरूरत पड़े तो, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बना के दिखाना चाहिए, मैं अच्छा बना सकता हूँ, तो आप उस केस में आप कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो चला आपको वीडियो से ही करिए। चलिए इसी को देख के पर कंप्लीट कीजिए वीडियो। नहीं,